अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरकार जम्मू कश्मीर में बदलाव के दावे तो खूब कर रही है, लेकिन अगर वह दूर दराज क्षेत्रों की हालत से रूबरू है तो हकीकत को छिपाया जा रहा है। जिक्र हो रहा है कठुआ जिले के बसोली के एक छोटे से गांव भूड़ी का। यहां विकास तो दूर की बात है, गांव में सड़क तक नहीं है। बीमार होने पर लोगों को पालकी से अस्पताल ले जाया जाता है। ऐसा लगता है कि अभी भी हम 100 साल पीछे हैं। पंचायत जानों में सड़क पर स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा नहीं होने के कारण रविवार को गर्भवती महिला नीतू देवी पत्नी हेमराज निवासी भोड़ी जानू की जान खतरे में पड़ गई। प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो गांव के युवा पालकी के सहारे उबड़ खाबड़ रास्ते उसे जंदरी तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन वह इलाज के अभाव में मर गया। फिलहाल महिला चंद्रैली अस्पताल में उपचाराधीन है। उधर बच्चे की मौत पर लोगों में रोष है। जानू पंचायत के पंच खेमराज व हेमराज ने बताया कि पंचायत में हर वक्त लोगों की जिंदगी दांव पर लगी रहती है। जब कोई बीमार होता है तो गांव के युवा उबड़ खाबड़ रास्तों से रोगी की जान बचाने के लिए आगे आते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि जहां पहले से सड़क जैसी बुनियादी सुविधा थी वहां सड़कों को बनाया गया, लेकिन जिस पंचायत में सड़क ही नहीं है उस पंचायत के लिए आज तक सड़क जैसी सुविधा उपलब्ध करवाने की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हमारी सरकार नहीं सुनती तो फिलहाल ये लोग खड़े हैं। अगर यदि हम झूठ बोलते हैं तो इनको भी पूछ सकते हैं आप। इतनी ज़्यादा हालत हमारी है और अब हम क्या कर सकते हैं, खुद परेशान है। रोड के वगैरह वैसे हालात हो रही है तो हमारी मांग की तो पूरी हो नहीं सकती। अब मांगने से क्या होगा, जो मांगा है वो पूरा नहीं हो रहा तो और मांगने की कोशिश क्यों करें हम। पहले जितना मांगा उतना पूरा कर देंगे तो आगे हम कुछ और मांग सकते हैं। जो पहले की मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं तो आगे क्या सरकार देंगे हमें, तो और नई सरकार बनाने से हमारा क्या फ़ायदा होगा। इससे आगे यही होगा कि जो हमारे गांव के लोग हैं बोल रहे हैं कि हम वोट भी नहीं देंगे, और जो यहां वोट मांगने आएगा तो हम उसको भी यहां से भगा देंगे। अब हम ऐसे नहीं चुप बैठेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अब यही उम्मीद है कि आगे आज हमारे साथ हुआ कल किसी और के साथ भी हो सकता है, बिना रोड के और कुछ हो सकता है। आगे